In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students of class 8th, subject English, date 22nd of April 2020, topic, who did Patrick's homework? Patrick की जो homework, जो घर के लिए उसको काम दिया जाता था, teachers की तरफ से, जो teachers उसको घर के लिए होमवर्क तफ्वीज करते थे, उसको कौन अंजाम देता था? पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी नहीं होमवर्क जो घर के लिए काम टीचर्स देते थे उसको ये कभी नहीं करता था. ही फाउंड इट वेरी बोरिंग. उसको ये मुश्किल महसूस हो रहा था, उसको ये हर हमेशा डिफिकल्ट महसूस हो रहा था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. वो हॉकी और जो बास्केटबॉल ये गेम्स हैं, इनमें हर हमेशा महव रहता था. इन्हीं जो गेम्स हैं ये गेम्स खेला करता था. एंड निंटेंडो, यानी एक निंटेंडो, ये एक गेम है, वीडियो गेम, ये भी निंटेंडो जो ये गेम है, इसमें भी ये हर हमेशा महव रहता था. प्यारे बच्चों, चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का दौर है, आज मोबाइलों में, आज आईपैड में ये जो निंटेंडो गेम्स है, इन वीडियोस को डाउनलोड किया जा सकता है और फिर खेला जा सकता है. और इसी तरह से ये जो पैट्रिक है, ये भी इस निंटेंडो, इस वीडियो गेम को खेला करता था. वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल एंड ही ग्रैबल्ड इट अवे. एक दफ़ा उसने देखा, उसने पाया कि एक बिल्ली खेल रही थी एक छोटा सा गुड़िया जो था खिलौना उसके साथ, और वो उस पर झपट पड़ी. ग्रैबल्ड मीन्स झपट पड़ना, इट अवे, और ये जो बिल्ली है वो भाग गई. Actually that elf was man of the smallest size. हकीकत में ये जो एल्फ, ये जो गुड़िया, ये जो भूत जैसा, परी जैसा एक छोटा सा, actually ये हकीकत में एक छोटे कद का इंसान था, एक आदमी था. He shouted that he should not be given back to the cat. क्योंकि पैट्रिक ने उसको छुड़ाया बिल्ली के कब्जे से, और ये एल्फ जो है, ये स्मॉलेस्ट साइज का जो आदमी है, ये चलाने लगा कि मुझे बिल्ली के सुपुर्द दोबारा मत कीजिए. ये चलाने लगा, और इससे पता चलता है उसके चलाने से कि वो बिल्ली से डरने लगा. और इस मौके को पैट्रिक ने गनीमत समझा, और उसने क्या किया, इन दैट वे He promised that he will do all homework for Patrick till the end of the semester. और उसने एक वादा दिया, वचन दिया पैट्रिक को कि मैं आपका जो ये होमवर्क है, मैं इस होमवर्क को जो आपको टीचर्स रखते हैं तो उसको मैं मुकम्मल करूँगा. आखिरी जो सेमेस्टर है, यानी सेमेस्टर होते हैं एग्ज़ाम में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसी तरह आखिरी सेमेस्टर है एग्ज़ाम के इख्तिताम तक, यानी जब एग्ज़ाम लिया जाता है आखिरी एग्ज़ाम, तो फिर नतायज आते हैं, वही आखिरी एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर, हाँ बराबर वहाँ तक मैं जो ये होमवर्क है वो मैं करूँगा. और इस तरह उसने वादा दिया. द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन मैथमेटिक्स. ये जो छोटे आदमी को कभी कभार मदद की ज़रूरत पड़ती थी रियाजी में. पैट्रिक हेल्पड हिम बाय सिटिंग अप एंड नाइट्स एंड कंप्लीटिंग हिज होमवर्क. और पैट्रिक हेल्पड हिम, पैट्रिक उसको मदद देता था, उसके लिए मुआविन साबित हुआ, क्योंकि पैट्रिक को इससे पहले इसमें दिल नहीं लगता था, कभी नहीं काम करता था ये होमवर्क. तो अब जो ये लिटिल साइज मैन जो है
उसको जरूरत पड़ती थी हेल्प की, मदद की। और इस तरह से रात दिन सिटिंग अप एंड नाइट, रात दिन मेहनत करने लगा पैट्रिक। और इस तरह से ये मुकम्मल करता था जो होमवर्क होती थी। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। ये जो पैट्रिक है, ये हकीकत में, असल में ये खुद होमवर्क किया करता था घर पर। द ऑथर टेल्स द रीडर दिस सीक्रेट। ये हमें किस तरह पता चलता है? द ऑथर, ये जो मुसन्निफ हैं, जिसने ये कहानी लिखी हुई है, तो उसकी बदौलत हमें ये पता चलता है। जब हम एज रीडर, जब हम पढ़ते हैं, जब हम ये कहानी पढ़ते हैं, तो फिर हमें ये पता चलता है सीक्रेट मीन्स राज। डियर स्टूडेंट्स, दानाओं का कौल है हार्ड वर्क ऑलवेज रिवार्ड्स। जो सख्त मेहनत है, हर हमेशा इंसान फिर इनामात से मालामाल हो जाता है। इंसान को हर हमेशा जब मेहनत करेगा, फिर वो कुछ न कुछ फल जरूर पा सकेगा। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बाकी आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। तो उम्मीद है आप इसको देखकर, ये जो स्टोरी है, इसको याद रखेंगे।